मधु ने काफी सालों तक शंकर को भर भर के दूध दिया। जब वो बहुत गरीब हुआ करता था तब से मधु उसके पास थी और मधु की वजह से शंकर की गरीबी दूर हुई। उसका दूध इतना टेस्टी और मीठा दूध था कि सारे गांव वाले उसी के घर से दूध ले जाना पसंद करते थे। लेकिन अब समय ऐसा आ गया था कि मधु ना तो बच्चे दे सकती थी और ना दूध, वो बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन मधु की ही जनी हुई दो बेटियां चांदनी और रोशनी शंकर के घर में थी। दोनों गायें अब शंकर का घर चला रही थी, अच्छा खासा दूध देती थी दोनों। इस बात से मधु को गर्व भी होता था कि उसकी बेटियां उसकी जगह दूध दे रही हैं। चांदनी, आज तो तुमने बहुत दूध दिया बहन, मुझे लग रहा है तुमने आज ज्यादा ही चारा खा लिया था। हाँ दीदी, आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, भूखी इतनी तेज थी आज कि खाते खाते पता ही नहीं चला। मेरी बच्चियों, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं मालिक को दूध नहीं दे सकती, अब बूढ़ी हो गई हूँ, पर तुम दोनों मेरा अंश, मेरा नाम रोशन कर रही हो, मालिक को इतना दूध देके उनका घर चला रही हो, मैं तो किसी काम की नहीं रही अब। ऐसा ना कहो माँ, जितना तुमने मालिक के लिए किया है उतना तो हम दोनों भी मिलके नहीं कर सकती। और जो मालिक मेरे लिए कर रहे हैं, हालांकि मालिक को मुझसे कोई फायदा नहीं हो रहा, मुफ्त का पाल रहे हैं मुझे, उनकी जगह कोई दूसरा होता तो मुझे कब का कसाई को बेच चुका होता, पर मालिक मुझे कितना प्यार करते हैं, अब भी मेरी कितनी देखभाल करते हैं। शंकर जितना प्यार चांदनी और रोशनी को करता था उतना ही वो मधु को भी करता था। उसको अपने पुराने दिन याद थे जब उसकी बहुत खस्ता हालत थी, उसको मधु के किए का बहुत एहसास था। मधु ने उसके बाद चांदनी और रोशनी को जन्म दिया। मधु की दोनों बेटियां अब अपनी माँ का फर्ज निभाती हैं और मालिक को वो भी मधु की तरह खूब सारा दूध देती हैं। शंकर सुबह सुबह दोनों गायों से दूध लेता और अपने ऑटो में दूध डाल के शहर ले जाके बेच देता। विधि, ओ विधि। हाँ जी कहिए। मैं जा रहा हूँ दूध लेकर शहर, शायद आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए, तुम ऐसा करना चारा काट के रख देना, फिर घर आके मैं खुद ही चारा ले आऊंगा। ठीक है। शंकर दूध निकाल के ऑटो में डाल के ले जाता है और विधि चारा काटने चली जाती है। थक गई, चारा तो मैंने काट दिया, अब ऐसा करती हूँ चारा खुद ही घर ले जाती हूँ, पता नहीं शाम को वो कब आएंगे थके हुए। विधि चारा सर पे उठा के खुद ही घर ले जाने लगी। थोड़ा भारी होने की वजह से चारा एक जगह सर से गिर जाता है। ओहो, ये घास तो सारी गिर गई, अब फिर से समेटनी पड़ेगी। नमस्ते विधि बहन। दूंगा, मैं भी आपके और भाई साहब के बारे में ही सोचकर बोल रहा हूँ, नहीं तो सारी उम्र पालते रहोगे मुफ्त में। ठीक है भाई साहब, मैं उनसे बात करके बताती हूँ। विधि चारा सर पे बांध के घर चली जाती है, पर उस व्यापारी की बात उसे कहीं न कहीं सही लग जाती है। शाम को जब शंकर घर आता है तो विधि उससे मधु को बेचने की बात करती है। विधि, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ये बात सोची भी कैसे? किसने तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसा दी और तुम उसी के कहने पर चल रही हो? उसका क्या है, यहाँ से सस्ते भाव में ले जाएगा, आगे डबल में बेचेगा, ये व्यापारी ऐसे ही होते हैं। तो कौन तुम्हें इसका लाख रुपए देगा? मुफ्त का खिलाने से अच्छा है 7,000 तो आ जाएंगे ना। कैसी बातें कर रही हो तुम, भूल गई आज हम जो कुछ भी है मधु की वजह से ही है, और चांदनी और रोशनी भी उसी की देन है। ओहो मेरे दयालु पति, तुम भी ना जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, वैसे भी उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, कल को मैं भी किसी वजह से अगर काम ना कर पाऊँ, बीमार रहने लगूँ, तो तुम मुझे भी घर से निकालने की बात करोगी? बस मैंने कह दिया, मधु यहीं रहेगी हमेशा मेरे साथ मेरे घर में, वो इस घर के लिए बहुत शुभ है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाएगी आपकी बूढ़ी गाय इस घर से। दिन रात विधि अपने पति के साथ जिद करती है मधु को बेचने की,
फिर एक दिन शंकर बीवी के आगे मजबूर हो जाता है और उसे बीवी की बात माननी ही पड़ती है। अगले ही दिन विधि उस व्यापारी को घर बुला लेती है। चांदनी, देख तो जरा ये कौन आया है हमारे घर पे। हाँ दीदी, और इसके हाथ में तो रस्सी भी है, कहीं मालिक ने हम में से किसी को बेचने के लिए व्यापारी तो नहीं बुलाया है। नहीं मेरी बच्चियों, ऐसा ना सोचो, मालिक और मालकिन बहुत अच्छे हैं, उन पे खामखा शक ना करो। मैं उन्हें बरसों से जानती हूँ, वो हम में से किसी को भी बेच नहीं सकते। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। शायद भगवान ना करे ऐसा दिन कभी आए जिस दिन हमें एक दूसरे से अलग होना पड़े, हम तो मर ही जाएंगे। व्यापारी शंकर की पत्नी को मधु के बदले 7,000 रुपए देता है। अरे वाह, बड़े दिनों बाद इतनी बड़ी रकम हाथ आई है। लेकिन शंकर इस बात से बहुत दुखी था, उसे बहुत बुरा लग रहा था कि ये कैसी औरत है, चंद पैसे के लिए घर की लक्ष्मी को ही बेच रही है। थोड़ी देर बाद शंकर मधु के पास आता है और उसके सर पे हाथ फेरता है। मुझे माफ कर दो मधु, पत्नी की जिद के आगे मुझे तुम्हें बेचना पड़ रहा है। उसे लगता है कि तुम अब बूढ़ी हो गई हो, हमारे किसी काम की नहीं हो अब, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सुन के मधु, चांदनी और रोशनी को बहुत बड़ा झटका लगता है। माँ, तुम्हें तो बड़ा यकीन था ना मालिक पे, देखा कैसा यकीन तोड़ दिया एक ही झटके में। आपने इनके लिए इतना कुछ किया, दूध के साथ अपना खून भी निचोड़ के दिया। जब इनका घर गृहस्थी बन गई तो अब इनको लगने लगा आप किसी काम की नहीं हो। कल को ये लोग हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। अब क्या होगा माँ, ये व्यापारी आपको कसाई को दे देगा। हाँ माँ, सच कहते हैं, इंसानों को जिस चीज से फायदा होता है उसको रखते हैं। अगर वो चीज किसी काम की ना रहे उसे नहीं रखते। बहुत मतलबी होते हैं ये इंसान। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है मेरी बच्चियों, पर मेरी भी समझ में नहीं आ रहा मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी व्यापारी मधु को रस्सी से बांध के वहां से ले जाने लगता है। चांदनी और रोशनी बहुत रोती हैं। माँ, 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 हम आपके बिना कैसे रहेंगे। जाते जाते मधु की आंखों में बस आंसू थे, वो तो अपने मालिक से उसके बेचने का शिकवा भी नहीं कर पाई। व्यापारी उस बुजुर्ग गाय को रास्ते में खूब मारते मारते ले जाता है। घर पहुंच के उसे गौशाला में बांध देता है और खूब सारा चारा खिलाता है। लेकिन मधु को पता था कि उसे खूब खिलाएगा पिलाएगा, फिर कसाई को उसे बेच के मोटी रकम हासिल करेगा। फिर थोड़ी देर में कसाई व्यापारी से मिलने आता है। व्यापारी उसे कहता है कि कुछ दिनों में आके उसे ले जाए। नहीं, नहीं, ये व्यापारी तो मुझे कसाई को सौंप रहे हैं, मुझे नहीं मरना। मालिक, आपने ऐसा क्यों किया, मेरी क्या गलती थी। हाँ, मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, मुझे वापस मालिक और अपनी बच्चियों के पास जाना होगा। न जाने मेरी बच्चियों का मेरे बिना क्या हाल है। उधर चांदनी और रोशनी का अपनी माँ के बिना बहुत बुरा हाल था। फिर रात में जैसे तैसे गले का खूंटा तोड़ के मधु भागती हुई घर पहुंच जाती है। चांदनी और रोशनी को जैसे ही अपनी माँ दिखती है उनके लिए मानो सवेरा हो जाता है। मधु अपनी दोनों बच्चियों को गले से लगाती है। माँ, आप आ गई, अब हमें छोड़ के कभी मत जाना, हम आपके बिना मर जाएंगे माँ। हाँ मेरी बच्चियों, मैं अब कभी भी नहीं जाने वाली हूँ। सुबह जब शंकर दूध निकालने गौशाला में आता है और वहाँ वो मधु को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, उसके सर पे हाथ फेर के प्यार देता है। विधि, विधि देखो तो कौन आया है। अरे क्यों चिल्ला रहे हैं आप, कौन आया है। हाँ ये मधु, ये वापस कैसे आ गई।
देखा, मैं ना कहता था मधु हमें बहुत प्यार करती है, उसको हमें नहीं बेचना चाहिए। तुम चुप रहो जी, चिल्ला के तो ऐसे बुला रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया। इस बूढ़ी बेकार गाय को मुफ्त का खाने की आदत हो गई है। मैं कहती हूँ जल्दी इस व्यापारी को बुलाओ, उससे पैसे लिए हैं, यहाँ आके इसे ले जाए। शंकर मजबूर होकर फिर से उसी व्यापारी को बुलाता है मधु को ले जाने के लिए। भाई साहब, इस बार इस गाय को मोटी रस्सी से बांध के ले जाना ताकि दोबारा लौट के ना आए। माँ, ये फिर से आपको भेजने की तैयारी में है। कोई बात नहीं बेटी, मालिक ने अगर मेरे लिए यही सोचा है तो यही सही। इस बार मैं लौट के नहीं आऊंगी, बस मेरे जाने के बाद तुम दोनों अपना ख्याल रखना। नहीं माँ, ऐसा ना कहो। व्यापारी मधु को फिर से ले जाता है, पर इस बार मधु जाने में कोई जिद नहीं करती, क्योंकि उसे पता था उसकी जिद करने का कोई फायदा नहीं। वो अगर फिर से लौट आई तो मालकिन उसे फिर से भिजवा देगी। इधर चांदनी और रोशनी का रो रो के बुरा हाल था। दोनों ने माँ की याद में खाना पीना छोड़ दिया था, दोनों बीमार हो गई थी, दूध देना छोड़ दिया था। देखिए ना जी, किसकी नजर लग गई हमारे घर को। चांदनी और रोशनी कितनी बीमार है, खाना पीना छोड़ दिया है दोनों ने। इतना अच्छा कारोबार हमारा बंद हो गया है। ये और कुछ नहीं, मधु का फिटकार लगा है हमें। बोझ थी ना वो तुम्हारे लिए, जबरदस्ती उसे बेच दिया जिसने शुरू से हमारा साथ दिया। बाद में जब वो तुम्हारे किसी काम ना आने लगी तो उसे बेच दिया। खुद गर्ज औरत, इनको भी इनकी माँ से अलग कर दिया। ये तो होना ही था, मुझे अपने साथ पाप का भागीदार बना दिया तुमने। आप सही कह रहे हैं जी, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप उस व्यापारी के पैसे लौटा दीजिए और मधु को घर ले आइए। अगले दिन जब शंकर और विधि मधु को लेने व्यापारी के घर जाते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि व्यापारी ने मधु को कसाई को बेच दिया है और कसाई मधु को ले जा रहा है। अरे कौन हो तुम और मेरी मधु को कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहा हूँ मतलब, मैंने इसे खरीदा है, वो भी डबल भाव में। मैं तुम्हें इसके भी डबल पैसे दूंगा, मेरी गाय मुझे वापस कर दो। ठीक है ले लो, मुझे तो पैसे से मतलब है, पर इस बूढ़ी गाय में रखा क्या है? वो तुमसे मतलब नहीं है, तुम बस पैसे लो और हमारी गाय को वापस करो। शंकर और मधु कसाई को पैसे देते हैं और मधु को वापस ले आते हैं। मधु मुझे माफ कर दो, मैं कितनी गलत थी, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मेरी वजह से आज तुम्हारे साथ वो कसाई न जाने क्या कर लेता। हाँ मधु, अब जो भी हो जाए मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करूँगा। जब चांदनी और रोशनी अपनी माँ को वापस पाती हैं, तो बहुत खुश हो जाती हैं और दोनों अपनी माँ के गले लग जाती हैं।